हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंजॉय करो। तो आज हम बात करेंगे क्रेटा के बारे में। हालांकि ये SX वाला वेरिएंट है और इसके कंपैरिजन में आपके आते हैं वॉक्सवैगन टियागोन, ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस और भी वगैरह वगैरह कार आते हैं। तो इसमें ये टॉप सेलिंग कार है, महीने में 13 से 14 हज़ार 15 हज़ार यूनिट ये हुंडई इसको बेच देता है। तो आज बात करते हैं इसकी SX वेरिएंट के बारे में, डीजल वाला वेरिएंट। तो इसमें आपको लाइट्स मिल जाएंगे LED वाला, डे टाइम रनिंग लाइट के साथ ही, और नीचे आपको फॉग लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्रेटा की ब्लैक एडिशन में आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रोम की फिनिश में आपको गार्निश दिया गया है, एंड हुंडई की बेजिन भी आपको वही क्रोम में ही मिलेगा। लाइट भी आप देख ही सकते हो और गाड़ी ब्लैक कलर में भाई पूरा मस्त लगता है। एक गाड़ी आप ड्राइव करोगे तो आप एकदम बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, इसमें टायर साइज आपको 16 का मिलता है, 16 इंचेस, 215 वाला, 65 जे के टायर भी आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक कलर में आप मिरर भी देख सकते हो, ब्लैक ही है, और साइड में आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ ही आता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है गाइज। एंड आपको इधर वाइपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है गाइज। एंड फोर डोर में ही आपको क्रोम का हैंडल मिलेगा। गेट ओपन करने का सेंसर भी आप देख सकते हो, एक ही है, ओनली ड्राइवर साइड में ही मिलेगा। मारुति सुजुकी में दोनों साइड ही देते हैं। एंड ऊपर आप सनरूफ भी देख सकते हो, सनरूफ इसमें पैनारोनिक सनरूफ आपको मिलता है जो कि बेस्ट है, बट मेरे को उतना सनरूफ वाला गाड़ी मेरे को अच्छा नहीं लगता। हुंडई कनेक्ट का भी फीचर्स आपको इस वेरियंट में आपको मिल जाता है देखने के लिए। एंड गाइज, पीछे में गाड़ी आपको कुछ ऐसी दिखती है जो कि वो ठीक ठाक ही लगता है। और गाइज, ये गाड़ी तो मार्केट में हॉट मॉडल है अभी, तो इसमें आपको डिफोगर भी मिल जाता है एंड वाइपर भी आपको पीछे में मिल जाएगा इस वेरिएंट में। SX में ही वाइपर आना शुरू हो जाता है गाइज। एंड क्रेटा की बेजिंग, आप हुंडई की बेजिंग सब कुछ आप देख ही सकते हो। नीचे बहुत अच्छे से कैमरा का भी प्लेसमेंट भी किया गया है, और आपको पार्किंग सेंसर 4 मिलते हैं, 4 पार्किंग सेंसर आपको इधर मिल जाएगा जो कि आपको अच्छा खासा गाड़ी पार्क करने की मदद आपको कर ही देगा वो तो। हालांकि कोई बात नहीं है, डीजल वेरिएंट है गाइस, याद कर लो डीजल SX है। एंड गाइस, इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस, इसकी पेट्रोल में टर्बो वेरिएंट भी आते हैं, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। डीजल में आपको थोड़ा बहुत माइलेज अच्छा मिलेगा और टर्बो तो है ही, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा खाता है। तो अंदर की बात करते हैं तो गाइज, ड्राइवर साइड में आपको उतना ज़्यादा सॉफ्ट टच मटेरियल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। एंड इसमें आपको सारा कुछ कंट्रोल मिलता है, अनलॉक वगैरह सब कुछ इधर से आप कर सकते हो, ठीक है। और गाइज, आपको क्रोम के फिनिश में गेट अनलॉक करने का भी थोड़ा बहुत फीचर दिया गया, और हार्ड प्लास्टिक है इसमें थोड़ा बहुत दे सकता था। और इधर आप देख सकते हो अम्ब्रेला, एंड आप एक वाटर बॉटल रख ही सकते हो, ठीक है, 1 लीटर तो आ ही जाता है। एंड गाइस, सीट आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, और इधर आपको बूट वगैरह सब कुछ एक्सेस करने के लिए देखने के लिए मिल जाता है। सीट अच्छा खासा कंफर्टेबल है, वो नहीं है कि आप इसमें सीट कवर वगैरह लगा सकते हो, बट सीट बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। एंड गाइस, अंदर आते हुए अभी आपको अंदर का ओवरव्यू दे देते हैं। तो गाइस, इसमें आप AC वेंट देख सकते हो, AC वेंट अच्छा है। और अभी जो हुंडई ने जो AC वेंट जो नए उसके जो गाड़ी में जो दे रहा है वैसा दे सकता था, बट अभी इसके फेस लिफ्ट अगर आएगा तो उसमें ऐड कर सकता है, जैसे कि वेरना में आपने देखा होगा। और गाइस, इधर इंजन पुश स्टार्ट बटन है, इससे आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो, स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। एंड गाइस, इधर आप देख सकते हो गियर नॉब भी बहुत अच्छा फिनिश में आपको किया गया है। मारुति में थोड़ा कम प्रीमियम है, इसमें पूरा प्रीमियम करके आपको गियर नॉब भी मिल जाएगा। इधर आपको थोड़ा बहुत वायरलेस का भी चार्जिंग का फीचर्स, थोड़ा नहीं पूरा ही मिलता है। एंड 120 वोल्ट का आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। इधर सब चार्जिंग वगैरह फास्ट वगैरह आप कर सकते हो, USB का सारा कुछ फीचर्स। एंड ऑटोमेटिक AC का भी आपको मिल जाता है। 10.25 का स्क्रीन साइज दिया गया है। और गाइज, मीटर आप देख सकते हो, थोड़ा रेट्रो स्टाइल है, अभी का जो क्रेटा टॉप मॉडल अगर आप लोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा आएगा। स्टीयरिंग आपको डी कट स्टीयरिंग मिलेगा। इधर आपको क्रूज़ वगैरह कंट्रोल एंड मीडिया कंट्रोल का भी फीचर्स आपको मिल जाता है। इधर मीडिया कंट्रोल आप सब कुछ कर सकते हो, क्रूज़ वगैरह, बहुत अच्छा कार है गाइज ये। एंड गाइज, इसमें इधर आपको सारा कुछ कंट्रोल दिया गया है, मीडिया का भी इधर भी आपको मिल जाएगा। AC वेंट्स है। एंड गाइज, ग्लव बॉक्स भी आपको डिसेंट सा स्पेस में आपको मिल जाता है, उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं गाड़ी के हिसाब से। और गाइज, ये जो व्हाइट कलर वाला आपको दिया गया ना, इसमें ना थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लग जाता है, गंदा हो जाता है। एंड गाइज, ड्राइवर साइड वैनिटी मीटर नहीं दिया गया, को ड्राइवर साइड तो ऑब्वियसली देंगे ही।
और सनग्लास होल्डर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। और गाइस को ड्राइवर के साइड में भी वैसा ही सेम ही है, और आर्केमिस के साउंड इसमें आते हैं, बोस का नहीं आते हैं गाइस, याद कर लो। सनरूफ भी आपको मिल जाता है और ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं मिलता। एंड गाइस पीछे की डोर में की बात करें तो इधर आपको सेम ही फील आपको आता है, हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, ग्रैब हैंडल वगैरह सब सारा कुछ है, बॉटल होल्डर भी आपको मिलता है। बट इधर आपको थोड़ा स्पेस को लेके थोड़ा कंसर्न हो सकता है। मेरे को तो वैसा, मैं 6 फीट का हूँ एंड सन कर्टेन भी आपको दिया गया है, मैं 6 फीट का हूँ तब भी मेरे को उतना हो नहीं रहा है, बट थोड़ा अगर ड्राइवर पीछे आएगा तो वो हो सकता है। इधर आप देख सकते हो एसी वेंट भी दिया गया है छोटा काट, और इधर आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है एंड चार्जिंग कर सकते हो USB से, वो भी दिया गया है। एंड गाइज आर्मरेस्ट एंड 2 बॉटल होल्डर, आप कप होल्डर वगैरह आप सब रख दो, बॉटल भी प्लेस कर सकते हो एंड ईजिली 3 बंदे आ ही जाएंगे। और गाइज गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी दिखती है जो कि बहुत अच्छा स्पोर्टी स्पोर्टी लगता है। क्रेटा की जो बेस्ट बात है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, हालांकि इसका जो बहन मॉडल है जो किया सेल्टोस है उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, और इसके मुताबिक ये अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको दे देता है। तो ये गाड़ी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, कहीं अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर सकते हो इससे। तो गाइस ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, ठीक है, थैंक यू।